हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हम करेंगे कैसे। देखिए, यहाँ पे हमें एंगल फाइंड करना है, एक्स और वाई का एंगल फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है कि डी ए ई, सी बी एच और ए सी जी, मतलब कि ये जो भी लाइनें हैं, ठीक है, डी ए ई, तो डी ए ई कहाँ पे, डी ए ई ये लाइन। तो मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन इसमें कर देता हूँ जिससे आपको पढ़ने में ईजी रहे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में मैंने यहाँ पे कर दिया है कि ये तीनों स्ट्रेट लाइंस हैं। तो यहाँ पे हमें कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ये जो एंगल है ना, ये 35 है, कितना है 35, और ये कितना है y। और हमने पढ़ा क्या है, हाँ हमने ये पढ़ा है कि एक ही साइड रहने वाली जो लाइंस, जैसे कोई, देखिए हमने ये पढ़ा है कि जब कोई दो लाइनें पैरेलल होती है, वहाँ पे जब कोई भी आपको कोई ट्रांसवर्सल लाइन एक दूसरे को ट्रांसवर्सल लाइन पास होती है, तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल, इन्हें कहते हैं कोइंटीरियर एंगल, यानी कि एक ही तरफ होने वाले इंटीरियर अंदर के एंगल, ठीक है। तो ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं, इनका जो सम होता है वो 180 होता है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी इस साइड और इस साइड दोनों कोइंटीरियर एंगल हैं, तो यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस 70 इक्वल टू 180, ठीक है। तो 180 लिखेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 70, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 110, कितना हो जाएगा 110। अब इसके बाद यहाँ पे x की वैल्यू 110 आ गई, y क्यों निकालेंगे, तो y प्लस लिखेंगे 35, y प्लस 35 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 35, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 145 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू 110 और 145, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो खत्म होता है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो।